महानगर में अब पब्लिक एड्रेस सिस्टम के तहत विभिन्न चौराहों की निगरानी की जा रही है। महानगर में जाम से निपटना हमेशा चुनौती रहा है, इसे लेकर यातायात पुलिस अब हाईटेक हो गई है। महानगर के प्रमुख 9 चौराहों को पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लैस कर दिया गया है। इस संबंध में SP ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने बताया कि सिस्टम में लगे माइक्रोफोन एम्पलीफायर लाउड स्पीकर के माध्यम से चौराहे पर खड़े बेतरतीब वाहनों को हटाने का अनाउंसमेंट किया जाएगा। साथ ही नहीं हटाने पर पुलिस लाइन स्थित कंट्रोल रूम से ही वाहनों का ऑनलाइन चालान कर दिया जा रहा है। महानगर के 9 चौराहों में नौसड़, ट्रांसपोर्ट नगर, रुस्तमपुर, पैडलेगंज, मोहद्दीपुर, छासंग चौराहा, बेतियाहाता, कचहरी चौराहा, गणेश चौराहा शामिल है। SP ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने बताया कि शहर के 11 अन्य चौराहों को भी चिन्हित कर लिया गया है, जल्द ही उन्हें भी हाईटेक यातायात व्यवस्था के पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लैस कर दिया जाएगा, जिससे जाम की समस्या से निजात पाने में आसानी होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने कहा। शहर में जो बेशतर हमारे चौराहे हैं, जो 9 चौराहे हैं, उन पे अभी ITMS के तहत CCTV कैमरे, मोबाइल कैमरे, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, लाइट्स, ये सब लगाई गई हैं और इनका एक समेकित कंट्रोल रूम पुलिस लाइन में बनाया गया है। इसमें लगभग 10 दिन से कंट्रोल रूम हमारा कार्य कर रहा है। कंट्रोल रूम में बैठ करके 9 चौराहों पर क्या हो रहा है, क्या भीड़ है, कोई जाम की समस्या तो नहीं है, ये सारी चीज़ों को देखा जा सकता है। वहाँ से हम मॉनिटरिंग भी करते हैं कौन सा वाहन ट्रैफिक का वायलेशन कर रहा है और कंट्रोल रूम से ही चालान भी हो जा रहे हैं। तो पूरा शहर हमारी निगरानी में है, कंट्रोल रूम की निगरानी है। यहाँ से हम निर्देश भी देते हैं, अपनी ड्यूटियों को भी चेक कर लेते हैं और वहीं से हम कोविड के संबंध में भी चौराहों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से जनता को जागरूक भी कर रहे हैं। इन 9 चौराहों के अलावा 11 अन्य चौराहों को चिन्हित किया गया है और उनकी कार्य योजना शासन को प्रेषित की गई है। तो शीघ्र ही इन 11 चौराहों पर भी काम शुरू हो जाएगा और पूरे सिटी के जो मुख्य चौराहे हैं वो सब हमारे कंट्रोल रूम से जुड़ जाएंगे और व्यवस्थित तरीके से यातायात प्रबंधन सुनिश्चित हो सकेगा। इसमें अभी तो जो स्थिति है, हेलमेट का और सीट बेल्ट का, उस संबंध में जो स्पेसिफिक कैमरे होते हैं वो भी नहीं लगे हैं, लेकिन अन्य चीज़ों का जैसे जाम का लगना या नो पार्किंग साइड में जो होते हैं जहाँ तक उसे विजुअल मिल जाते हैं वहाँ हम कार्रवाई कर लेते हैं कंट्रोल रूम से।